और आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। आज रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे। जेएमएम पर जासूसी के आरोप भी उन्होंने मढ़े हैं। मैं जासूसी से डरने वाला नहीं हूं, ये चंपाई बोलते हुए नजर आए। मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। आज रांची में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और साथ ही जेएमएम पर जासूसी के उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। वो कहते हुए नजर आए कि मैं जासूसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, बड़ा अपमान हुआ, इसीलिए हम अपना इकला चल दिया वहाँ से। पहले हम सोचा कि हम संन्यास ले लेंगे, कभी सोचे थे हम संगठन बनाएंगे। आज यदि ऐसा हमारा अच्छा साथी मिलेगा तो हम सक्रिय रूप से फिर से राजनीति करूँगा। तो हमको मिल गया साथी, विचार हो गया है जिस मुद्दा के लिए झारखंड में, उस मुद्दा के साथ हम किस जगह में खड़ा हो के हम लड़ सकते हैं। हम देखा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा पार्टी है जहाँ वहाँ से हम जो घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए का बात वहाँ से लड़ सकेंगे, दूसरा दल से नहीं हो सकता है। उसके बाद आदिवासी विकास की बात है, आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात है, इसीलिए उस जगह उस पार्टी का हम चयन किया। झारखंड से ही एक और खबर, जहां पर आज कैबिनेट का विस्तार संभव है। रामदास सोरेन को बनाया जा सकता है मंत्री, चंपाई की जगह रामदास मंत्री बन सकते हैं। वहीं हाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन है, कोल्हान इलाके से रामदास आते हैं और आज चंपाई की जगह रामदास मंत्री बनाए जा सकते हैं। रामदास सोरेन जिन्हें आज मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि आज झारखंड में कैबिनेट का विस्तार संभव है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।